कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद की तरफ से कहा गया है कि हमारे दो लोग जिन्हें बीजेपी ने अपने कब्जे में कर रखा था उन्हें छुड़ाने में हमें कामयाबी मिली है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने। राज्यसभा के सांसद हैं कर्नाटक से, इनसे बात करते हैं। हरिप्रसाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त विधान भवन में कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस का स्थिति जो पहले था वही स्थिति है। जो हमारे साथ नंबर है वो नंबर ठीक ठाक है, आगे भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन ये खबर आई थी कि आपके दो विधायक जो है वो नहीं पहुंचे ओथ लेने के लिए, उनमें से एक के आने की भी खबर आ रही है और दूसरा तो अभी तक उसका पता नहीं है। वो खबर आ नहीं सकता है क्योंकि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह इन लोगों को कब्जे में रखा था। अभी एक उस चंगली से बाहर आ गया है और एक है वो आ जाएगा। तो आपका कहना है कि आनंद सिंह को राजनाथ सिंह ने अपने कब्जे में रखा हुआ था, इसके लिए जो है सिंह और एक MLA को राजनाथ सिंह ने बुला के IT ED को डरा के उसका कब्जे में रखा था। अभी ये लोग आके शपथ लेके हमारे साथ खड़ा हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि आप और JDS मिलकर सरकार बना लेंगे और विश्वास मत? लोगों ने मैंडेट दिया है कर्नाटक में कोई पूरा बहुमत से नहीं आना है, कोलिशन सरकार चलाना है करके लोगों का मैंडेट है। हमारे लिए 77 दिया है भारतीय जनता पार्टी, JDS को 38 दिया है, दो इंडिपेंडेंट है। कोई बहुत क्लियर मैंडेट है कोलिशन सरकार के लिए, समिश्र सरकार के लिए, समिश्र सरकार होगा। क्या आपके विधायकों को बरगलाने की भी कोशिश की जा रही थी? जैसे कि हमने कहा कि कल से आरोप लग रहे हैं कि कुछ ऑडियो वगैरह सामने आए हैं जिनमें कि बीजेपी के नेता जो है वो कांग्रेस के विधायकों को लालच देने की कोशिश कर रहे थे मंत्री पद और पैसा। कोई नई बात नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बना, नागपुर यूनिवर्सिटी के सारे छात्र बहुत एक्टिव हैं, पूरा अपना हथकंडे पूरा कोशिश करते हैं करने के लिए, लागू करने के लिए। नहीं होगा, ये कर्नाटक है, इधर का नाटक मोदी का नाटक नहीं चलेगा। धन्यवाद सांसद जी। तो आपने सुना कांग्रेस के सांसद बीके हरिप्रसाद को जो बता रहे थे कि तमाम कोशिशें की जा रही थी बीजेपी की ओर से कांग्रेस के विधायकों को बरगलाने के लिए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज बेंगलुरु। तो सुना आपने कांग्रेस का ये दावा, और देखिए महज 7 मिनट का इंतजार रह गया है और उसके बाद एक बार फिर विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। जो विधायक रह गए शपथ लेने से वो शपथ ग्रहण करेंगे और उसके आधे घंटे बाद यानी शाम 4 बजे बहुमत का परीक्षण कर्नाटक में फैसला होगा, बीजेपी सरकार रहेगी या जाएगी। ये बड़ी खबर, हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, आप रहिए हमारे साथ। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।